नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दत्त, SV न्यूज़ इंडिया। आज हम पहुंचे मिनी सेक्रेट हिसार में, जहां पर BJP प्रत्याशी आदमपुर से सोनाली फोगाट ने भरा अपना नामांकन पत्र। नामांकन पत्र भरने के पश्चात कुलदीप बिश्नोई पर तीखे निशाने सेते हुए सोनाली फोगाट ने क्या कहा, आओ आपको हम सुनाते हैं। समाज सेवा से जो जुड़ा व्यक्ति होता है वही राजनीति में अच्छा काम कर सकता है। कुलदीप बिश्नोई जी लोगों के लिए नहीं कर पाए, वो सारे विकास उस हलके के लिए करवाने हैं। कुलदीप बिश्नोई हर बार ये कहते हैं कि मेरे पिताजी ने ये काम किए। अरे आपके पिताजी ने जो काम किए, जनता बरसों से उसकी कीमत अदा कर चुकी है। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने आज नामांकन पत्र भरा है जी। आप किन मुद्दों पर आप जो है राजनीति में आए हैं इस विधानसभा इलेक्शन? देखिए, मुद्दा एक ही है, आदमपुर विधानसभा पिछले 50 वर्षों से एक ही परिवार के पास है, तो ये कोई विरासत नहीं होती। राजनीति समाज सेवा से जो जुड़ा व्यक्ति होता है वही राजनीति में अच्छा काम कर सकता है। तो मुद्दा मेरा यही है कि जो पिछले सालों में कुलदीप बिश्नोई जी लोगों के लिए नहीं कर पाए, वो सारे विकास उस हलके के लिए करवाने हैं और लोगों को जो पेन है इतने सालों का उसको भरना है हमें, विकास कार्य करवा के आदमपुर विधानसभा में। मैडम, कुछ लोगों की तरफ से विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल संबंध गांव में एक परिवार की ओर से जमीन कब्जाने की कोशिश की गई थी, सर लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ देखिए, जो बाल संबंध गांव में जमीन का मामला है और कॉलेज बनने की बात है, वो आपको मैं पूरी तरह से बताती हूँ। बाल संबंध गांव में ही कॉलेज बनेगा और सरकारी ज़मीन पर ही कॉलेज बनेगा, और हम उस अगर मैं विधानसभा जीत के आती हूँ तो सबसे पहले वही काम हम करवाएंगे। धन्यवाद। कुलदीप बिश्नोई के साथ आपकी सीधी टक्कर है, कहीं भी कहा जाए तो आदम पर बहुत बड़ी हॉट सीट है, तो उससे क्या लगता है आप जीत पाएंगे, किस प्रकार से होगा? बिल्कुल जीत पाएंगे, आप देखते नहीं हमारे साथियों का सहयोग जोश, और हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेकर मैंने नामांकन भरा है और हमारी जीत निश्चित है। आदमपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आदमपुर की जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस बार आप लोग गुमराह मत होइएगा, इमोशनल ब्लैकमेल मत होइएगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई हर बार ये कहते हैं कि मेरे पिताजी ने ये काम किए। अरे आपके पिताजी ने जो काम किए, जनता बरसों से उसकी कीमत अदा कर चुकी है। आप एक बिजनेसमैन हैं, अपना बिजनेस करिए, अगर जनता के बीच में नहीं रह सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है वहाँ की जनता के साथ खिलवाड़ करना। अगर कोई उस हलके का सुधार करना चाहता है, उन लोगों की मदद करना चाहता है, वो लोग खुद सोचेंगे, तो आपको कोई अधिकार नहीं और जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने का। अब जनता समझ चुकी है और वो खुद अपना निर्णय लेगी, उनको पता है सही काम कौन कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।